तो दोस्तों, सच्चा प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है। एक लंबी छलांग मारने से कई गुना बेहतर है कि आप बस लगातार अपने जो कदम हैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाते चलो, जो एक दिन आपको अपनी मंजिल तक ले ही जाएगी। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है 19th of February 2019 और डे है ट्यूसडे। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स बता देता हूँ कि हरियाणा का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेकर आनी चाहिए, तो उसकी जो वीडियो है वो कल अपलोड हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे UPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन सामने आ गया है, तो अपने अपने जो फॉर्म्स हैं वो भर देना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप लोग ऊपर जो आई का बटन है वहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन के बारे में जो वीडियो है वो देख सकते हो। साथ ही नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाकर अपने डाउट ड्रॉप कर देना, आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर हो, आपके पास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, मैं वहां पर भी हूं, अपने बहुत सारे कोर्सेज बनाता हूं। अभी रिसेंटली मैंने वहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स का कोर्स बनाया है, तो वहां पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। एज वेल एज जो वहां का प्लस प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, लाइव पढ़ाता हूं, तो वहां भी जाकर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो चीज़ें हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है वो, उसका जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये तो टेलीग्राम चैनल का है, यहीं पे जाके आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ा हुआ है। आज का सवाल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के बारे में आपको डिटेल्स जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में ही देखा था रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर जो रेनफेड फार्मर्स हैं उनके जीवन में कितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है द अथॉरिटी इज़ एन एडवाइजरी पॉलिसी मेकिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी। जो बॉडी है वो एडवाइजरी रोल प्ले करती है, पॉलिसी मेकिंग का रोल प्ले करती है, और बहुत सारी जो गाइडलाइंस होती हैं जो एग्जिस्टिंग स्कीम से लिंक करती हैं, या कोई नई स्कीम फॉर्मुलेट करनी है रेनफेड एरिया से रिलेट करते हुए। रेनफेड एरिया वो एरिया जहाँ पर बरसात की वजह से हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट है इट वुड ऑल्सो फोकस ऑन इशूज पर्टेनिंग टू द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके इश्यू से यहाँ से डील करेगी, सिंस दे कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज मेजोरिटी ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ रेनफेड एरियाज। और तीसरी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है इट हैज़ टू टीयर गवर्निंग सिस्टम। दो टीयर यहाँ पे गवर्निंग सिस्टम है। फर्स्ट टीयर में यहाँ पे गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बोर्ड होता है, जिसको चेयर करते हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और जो दूसरा जो टीयर होता है वो होती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक बॉडी, ओके, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के यहाँ पे लोग होते हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस हैं। ए वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। और अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबर के साथ। तो आपको जो आज पहली खबर मिलती है वो है क्वैश कुलभूषण वर्डिक्ट सेज इंडिया। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये न्यूज को प्रीलिम्स के साथ कैसे रिलेट करेंगे, कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं। तो ठीक है, मैं उसी की तर्ज पे आपको बताता चलूँगा कि ये न्यूज़ से ये पर्टिकुलर पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में जो चीज़ें देख रहे हैं वो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ओके। तो कुलभूषण जाधव का जो वर्डिक्ट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे सामने हैं, सबसे पहली चीज़ है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे वियना कन्वेंशन, ये वाला वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर वाला नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है वियना कन्वेंशन ऑन कौंसलर रिलेशन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो कुलभूषण जाधव का केस है वो अभी ICJ के अंदर चल रहा है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान ये पर्टिकुलर केस है, और यहाँ पे 4 दिन का ट्रायल चलेगा। तो यहाँ पे कल इंडिया ने अपने जो दलीलें थी वो सामने रखी थी, आज पाकिस्तान ने अपनी दलीलें सामने रखी हैं, ऐसे ही यहाँ पे रिप्लाई वगैरह होते रहेंगे, और 4 दिन के बाद हम लोगों को एक बड़ा वर्डिक्ट देखने को मिलेगा। देखते हैं कहीं आगे और डेट ना मिल जाए, ओके। तो इंडिया बेसिकली ये कह रही है कि वियना कन्वेंशन कौंसलर रिलेशंस के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी उन सारी की सारी चीज़ों को पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया, और यहाँ पे एक इनोसेंट आदमी को, कुलभूषण जाधव को फंसाया गया, और पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की गई, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया को सामने दिखाया गया कि यहाँ पे इंडिया को एक तरीके से गलत डायरेक्शन में दिखाया गया कि इंडिया ऐसी चीज़ें करता है। इस वजह से यहाँ पे कुलभूषण जाधव को पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे लाया गया। जो वीडियो है वो भी डॉक्टर्ड वीडियो है, इस सब चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पर कोर्ट के अंदर पेश किया है,
ओके। और यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें थी उनसे लिंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि जो 1963 का जो कन्वेंशन कौंसलर रिलेशंस हैं ओके, हम लोग उसके बेसिस पे यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि 2008 का जो बायलेटरल एग्रीमेंट था ऑन कौंसलर रिलेशन। इसी चीज़ को इंडिया ने ICJ के सामने रखा और ICJ ने भी इस चीज़ पर को माना है। तो यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम एलिमेंट ये दो चीज़ें हैं, एक तो ICJ और है हमारा वियना कन्वेंशन ऑन कौंसलर रिलेशन। ICJ के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको क्या क्या याद रखना है वो बता देता हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। अब यहाँ आपने ICJ के बारे में पढ़ लिया तो इसके साथ साथ आप लोग ICC के बारे में भी पढ़ोगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ोगे और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे। यूनाइटेड नेशंस जो कि जो यहाँ पे एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करती है जो कि मेंबर स्टेट्स के बीच में होते हैं, जो भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं जो यहाँ पे जो UN के ऑर्गन्स हैं उनके या उनके किसी और स्टेट्स के बीच में कोई बात हो गई या स्पेशलाइज एजेंसीज़ के बीच में और स्टेट्स के बीच में कोई बात हो गई तो उन सबको रिजॉल्व करने के लिए हमारे सामने है ICJ। अब ICJ बेसिकली कोर्ट है तो कोर्ट के अंदर जज भी होंगे, तो यहाँ पे जो जज होते हैं इन नंबर वो होते हैं 15 और यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, दे आर इलेक्टेड जजेस। कैसे इलेक्ट होते हैं? यहाँ पे जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलके इलेक्ट करते हैं और 9 साल का इनका टर्म होता है, 9 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। जो ICJ है उसका जो हेडक्वार्टर है या आप कह सकते हो वो किस जगह पे सीटेड है वो है पीस पैलेस हेग नीदरलैंड के अंदर। तो यहाँ पे 15 जजेस होते हैं, 9 साल का इनका टर्म होता है और इंडिया के भी यहाँ पे एक जज हैं जिनका नाम है जस्टिस दलबीर भंडारी। इसके साथ साथ यहाँ पे इन 15 जजों में से कोई भी दो जज एक ही कंट्री के नहीं हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखने हैं। साथ ही आगे वियना कन्वेंशन ऑन कौंसलर रिलेशन के बारे में कुछ चीज़ें। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 बेसिकली एक ट्रीटी है जो कि डिफाइन करती है कि यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दो देशों के बीच में वो किस तरह से यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक और हम लोगों ने सेपरेट कन्वेंशन किया था काउंसलर रिलेशन से जिसको 1963 के अंदर साइन किया गया था। अब ये जो शब्द है काउंसलर इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली कुछ लोगों को सरकारें चुनती हैं, जैसे हम मान लो इंडिया ने कुछ लोगों को चुन लिया है जो कि दूसरे देश में हमारी एम्बेसी के अंदर बैठे होंगे जिनके पास जिम्मेदारी है कि अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक दूसरे देश में कोई भी काम करने जा रहा है कल्चर से रिलेट करते हुए, कमर्शियल एक्टिविटी करने जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जा रहा है, कोई साइंटिफिक एक्टिविटी करने जा रहा है, उन पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनसे रिलेटेड सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी काउंसलर ही मेंटेन करते हैं। ओके, दे अप्लाई नॉट ओनली टू द डिप्लोमैट्स बट टू द पर्सनल्स फ्रॉम द मिलिट्री डिपार्टमेंट्स जो कि यहाँ पे मिलिट्री या सिविलियन होते हैं जो कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर है अंडर द अथॉरिटी ऑफ चीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर मिशन। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो यहाँ पे ICJ के अंदर केस चल रहा है उसके अंदर बार बार इसी कन्वेंशन को हाईलाइट किया जा रहा है। इस कन्वेंशन के अंदर एक आर्टिकल है, ओके कन्वेंशन है तो बहुत सारे आर्टिकल होंगे, तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल नंबर 36, बार बार इसके बारे में जिक्र आ रहा है। ये आर्टिकल है क्या? ये आर्टिकल कहता है इफ़ एनी फॉरेन नेशनल इज डिटेन्ड, अगर किसी भी फॉरेन नेशनल को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है ऑन क्रिमिनल या कोई इमिग्रेशन के चार्जेस से, तो वहाँ पर उसके पास कुछ राइट्स होते हैं। उन राइट्स के अंदर यहाँ पे जो डिटेनी की जो कंट्री है उसके कॉन्सुलेट को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है और अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो अगर डिमांड करे तो उस बेसिस पे भी उसकी बातचीत उस कॉन्सुलेट से की जाती है। मतलब यहाँ पे लीगल एडवाइस लेने का भी अधिकार है उनको, बस इन्हीं अधिकारों को यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया कुलभूषण जाधव को। साथ ही यहाँ पे जो आर्टिकल 36 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे रखी हुई हैं, इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 ऑन कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट विद नेशनल्स ऑफ द सेंडिंग स्टेट। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ का रिलेशन यहाँ पे किस से जोड़ के आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 1 कहता है आर्टिकल 36 का विद अ व्यू टू फैसिलिटेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ काउंसलर फंक्शंस रिलेशन टू नेशनल्स ऑफ द सेंडिंग स्टेट। ओके, नेशनल्स का मतलब यहाँ पे कुलभूषण जाधव आप लोग पढ़ोगे जिससे सारी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। और यहाँ पे काउंसलर ऑफिसर्स मतलब यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स के बारे में बात हो रही है। शैल बी फ्री टू कम्युनिकेट विद नेशनल्स मतलब यहाँ पे जो काउंसलर ऑफिसर्स हैं जो इंडियन एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं, जो कुलभूषण जाधव से बात कर सकते हैं जिसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है।
साथ ही नेशनल्स ऑफ द सेंडिंग स्टेट शैल हैव द सेम फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन विद एंड एसेस टू काउंसलर ऑफिसर्स ऑफ द सेंडिंग स्टेट। तो यहाँ पे कुलभूषण जाधव के पास भी एक पर्टिकुलर राइट था कि वो यहाँ पे इंडियन काउंसलर से बात कर सकता था, बट इन्हीं सब चीज़ों को तो यहाँ पे डिनाई किया गया। इफ ही सो रिक्वेस्ट, अगर यहाँ पे कुलभूषण जाधव रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है रिसीविंग स्टेट की, रिसीविंग स्टेट कौन, यहाँ पे पाकिस्तान जिसने पकड़ा हुआ है, इट शैल विदाउट डिले इन्फॉर्म द काउंसलर पोस्ट। विदाउट डिले इंडियन एम्बेसी को उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है और वो यहाँ पे उस पर्सन के राइट के अंदर सारी की सारी चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर किया। इसके साथ साथ आप इसका क्लॉज नंबर वन यहाँ पार्ट सी अगर आप देखते हो तो वो है काउंसलर ऑफिसर्स शैल हैव द राइट टू विजिट द नेशनल। यहाँ पे जेल के अंदर विजिट करने का भी अधिकार है, ओके, प्रिजन के अंदर विजिट करने का भी अधिकार है, जिससे यहाँ पे रिफ्रेन किया गया। साथ ही लास्ट जो है यहाँ पे क्लॉज नंबर टू, वो कह रहा है दी राइट रेफर टू इन पैराग्राफ वन ऑफ दिस आर्टिकल शैल बी एक्सरसाइज्ड इन कन्फर्मिटी विद द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द रिसीविंग स्टेट। तो यहाँ पे रिसीविंग स्टेट है, यहाँ पे डेट में पाकिस्तान है, उसके यहाँ पे जो लॉज हैं उनके साथ वो एक्सरसाइज करना जरूरी है। एंड सेट द लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट अनेबल फुल इफेक्ट टू बी गिवन फॉर द पर्पज फॉर विच द राइट्स अकॉर्डेड अंडर द आर्टिकल आर इंटेंडेड। फाइनली जो चीज है वो ये है, लॉज ऑफ द होस्ट स्टेट कैन नॉट ओवरराइड द राइट्स गारंटेड अंडर द आर्टिकल। जो होस्ट स्टेट है इस समय, होस्ट स्टेट कौन है, पाकिस्तान, उसके वहां जो भी यहाँ पे लॉज हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर जो राइट्स दिए हुए हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकती। तो ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 36 जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कुलभूषण जाधव वाले केस के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड एनजीटी ऑर्डर टू रीओपन द स्टरलाइट प्लांट। अब यहाँ पे स्टरलाइट प्लांट का जिक्र हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे कॉपर प्लांट का जिक्र हो रहा है। हमारे लिए यहाँ पे जो एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें हैं वो ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉपर का क्या नुकसान हो रहा है, क्या उसके यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं लोगों के ऊपर, कि लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में हैं, सड़कों पर आ गए थे यहाँ पे स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कराने के लिए। तो ये आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो एनजीटी ने डिसीजन सुनाया था कि जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है थुथकुंडू के अंदर उसको फिर से ओपन कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लोज कर दिया है, बोल दिया है इसको अभी ओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है थुथकुंडू के अंदर, थुथकुंडू एक जगह है तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पे अप्रैल 9, 2018 के अंदर हमारे सामने खबर आई थी कि तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी थी उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को जो कि ये कह रही थी कि यहाँ पे जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है उसे ओपन कर दिया जाए और वो आगे जो एयर एक्ट है और जो वाटर एक्ट है उनको फॉलो करेंगी। एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें, थुथकुंडी सेटेलाइट जो प्लांट कंट्रोवर्सी है वो किस तरीके से आगे बढ़ी, स्टरलाइट प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बढ़ी। तो बेसिकली जो थुथकुंडी स्टरलाइट प्लांट है उसके बारे में यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट हैं जो उसके आसपास रह रहे हैं वो बार बार उसको अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसको वो पॉल्यूशन करते हैं, उसे पॉल्यूट करते हैं और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों के सामने लेकर आते हैं। साथ ही यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है ग्राउंड वाटर के ऊपर, ओके, जो हमारा ग्राउंड वाटर है थुथकुंडी के आसपास वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो लोग लगातार यहाँ पे कई सालों से इसी प्रयास में कि इस प्लांट को क्लोज करवाया जा सके। देखो जो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेरी एज वेल एज जो तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भी यहाँ पे कुछ एविडेंस देखे थे, कुछ यहाँ पे इन्होंने रिसर्च की थी और कुछ एविडेंस सामने आए थे कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो चुका है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, जो सॉइल है उस पर्टिकुलर एरिया की वो खराब हो चुकी है यहाँ पे, और जो बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जो एयर एक्ट और वाटर एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे थुथकुंडी वाला स्टरलाइट प्लांट डिस्ट्रॉय करता है, उनको यहाँ पे अब्लाइग नहीं करता है। साथ ही 2010 के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो स्टरलाइट प्लांट है उसको यहां पे बंद कर दिया जाए क्योंकि वो एनवायरनमेंट को वायलेट कर रहा है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन जितनी भी है उनको वायलेट कर रहा है। बट अप्रैल 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टक डाउन कर दिया था। किसने स्टक डाउन किया था? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि यहां पे इसे ओपन कर दिया जाए, पर यहाँ पे एक स्टरलाइट प्लांट के ऊपर 100 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया था क्योंकि वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही थी, ओके, और यहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी विदाउट द कंसेंट ऑफ
TNPCB जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तमिलनाडु का, उसके बिना परमिशन के यहाँ पे वो ऑपरेट कर रही थी। और यहाँ पे जो प्लांट है इट्स सून रीओपन आफ्टर दिस फेवरेबल ऑर्डर, उसको फिर से ओपन कर दिया गया, फिर से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए। फिर मार्च 2013 के अंदर हम लोगों ने देखा जो तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने फिर से ओपन कर दिया कि यहाँ पे जो प्लांट है उसको क्लोज कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो केस था वो थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पे हमें गैस लीकेज का मुद्दा देखने को मिला कि जो कॉपर प्लांट है वहाँ पे गैस लीकेज हुई और इस वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको नौजिया हो गया और उनको स्किन इरिटेशन होने लगी, तो हेल्थ इम्पैक्ट्स उसके बढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया था मार्च और अप्रैल 2018 के अंदर, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा था। और यहाँ पे तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसके ऊपर यहाँ पे बैन लगा दिया था। फिर जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने 15th ऑफ दिसंबर 2018 के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था मई 2018 वाला उसको डिसमिस कर दिया, बोल दिया कि यहाँ पे जो प्लांट है उसको ओपन कर दिया जाए। बट अब सुप्रीम कोर्ट आ गई है बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को असाइड रखते हुए बोला है कि अब प्लांट को क्लोज ही किया जाएगा। आपके लिए एग्जामिनेशन चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर प्लांट है उसकी वजह से नौजिया स्किन इरिटेशन भी हो सकती है अगर उससे गैस लीकेज हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है गहलोत गवर्नमेंट गियर्स अप फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल। यहाँ पे बात हो रही है सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ओके, तो आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड कैंपेन ऑफ सिविल राइट्स ग्रुप, बहुत सारे सिविल राइट्स ग्रुप यहाँ पे बहुत दिनों से कैंपेन कर रहे थे, तो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे एक प्रोसेस चालू किया है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी वाला लेजिस्लेशन जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ सके, जिसकी मदद से यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की स्कीम्स को यहाँ पे अप्लाई करने की, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको टाइमली लोगों तक पहुँचाने की, सिटीजन्स का ख्याल रखने की, अगर वो अपने काम करने में यहाँ पे असफल रहते हैं तो वो किसके प्रति अकाउंटेबल हैं, इस चीज को यहां पे सामने रखा गया है। साथ ही यहां पे जो बिल है इट विल आल्सो सेट अप द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको लिए भी यहां पे ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया जाएगा और विलेज पंचायत से इसको यहां पे स्टार्ट किया जाएगा। अब इस ड्राफ्ट के अंदर यहां पे जो सारी की सारी चीजें हैं वो अपलोड की गई हैं ऑन अ वेब पोर्टल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, और जो सिटीजंस हैं राजस्थान के वो यहां पे कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। तो अगर आप राजस्थान के सिटीजन हो तो आप भी अपनी जो सजेशन है, जो बहुमूल्य आपके विचार हैं, वो भी प्रदान करें सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल से रिलेट करते हुए। साथियों चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस चीज को एश्योर किया है कि जो नया अकाउंटेबिलिटी बिल है उसके अंदर जो गारंटी डिलीवरी पब्लिक सर्विस एक्ट है और राइट टू हियरिंग एक्ट है उसकी भी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। ओके, थ्रू द राजस्थान सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल गवर्नमेंट का मेन मकसद यह है कि लोगों के पास जो अधिकार है, लोगों के पास जो राइट्स है टाइम बाउंड डिलीवरी लेने का, गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी लेने का, उन राइट्स उन्हें सारे के सारे मिल सके। और अगर उनके राइट यहां पे वायलेट होते हैं तो किसी ना किसी यहां पे ऑफिशियल्स के ऊपर तो पेनल्टी लगाई जाए, उसकी कोई ना कोई जवाबदेही तो हो ही। इसकी मदद से हमें यहां पे जो करप्शन है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस आर्टिकल के अंदर। आगे बढ़ते हैं आपके लिए खबर, आफ्टर पुणे वैटसिटी बैक्स आउट भोपाल टू होस्ट हिस्ट्री कांग्रेस। यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री कांग्रेस के बारे में, तो इसलिए हिस्ट्री कांग्रेस के बारे में जानना आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है। सबसे पहले न्यूज़ की खबरों में हुआ क्या, देखो सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो पहले होस्ट करने वाली थी 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, बट यहाँ पे बताया गया है कुछ फाइनेंशियल रीजंस है जिस वजह से वो होस्ट नहीं कर पाएगी और इस चीज़ को हिस्ट्री कांग्रेस को अब होस्ट यहाँ पे भोपाल यूनिवर्सिटी करेगी। ओके, और जो 79th सेशन है वाज अर्लियर सपोज टू बी हेल्ड एट SPPU फ्रॉम December 28, बट अब यहाँ पे भोपाल में होगी February 26 से। ओके, यहाँ पे इससे पहले ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री कांग्रेस कभी बंद नहीं की गई, इससे पहले बंद की गई, जैसे यहाँ पे 1962 की यहाँ पे वॉर के अंदर, यहाँ पे 1971 में जब वॉर हुई थी उस समय पर, और जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उस समय पर यहाँ पे हिस्ट्री कांग्रेस को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था और बंद भी कर दिया गया था। हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के बारे में जानना। तो बेसिकली जो हमारे देश के हिस्टोरियंस हैं उनकी सबसे बड़ी बॉडी है, लार्जेस्ट प्रोफेशनल एंड एकेडमिक बॉडी है इंडियन हिस्टोरियंस की, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर हैं। इसको 1935 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पे जो नए एप्लीकेंट्स होते हैं जो यहाँ पे मेंबरशिप चाहते हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की, उनको यहाँ पे प्रपोजर और सेकेंडर दोनों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। प्रपोजर सेकेंडर, ओके, ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे जब आप वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन आप लोग देखते हो उस समय भी आपने शब्द सुना होगा पॉलिटिक के अंदर, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स। ओके, और यहाँ पे द लीड टू एस्टैब्लिश एन ऑल इंडिया
नेशनल कांग्रेस ऑफ हिस्टोरियंस वॉज टेकन बाय पुणे हिस्टोरियंस। तो पुणे के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने पहला स्टेप उठाया था कि यहाँ पे हिस्टोरियंस की भी एक कांग्रेस होनी चाहिए, उनका भी एक ग्रुपिंग होनी चाहिए। और इस चीज़ को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के समय से ही स्टार्ट कर दिया गया था। पहला जो सेशन था वो हुआ था भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे के अंदर 1935 में। तो ये हमारी मॉडर्न इंडिया से रिलेट करता है, तो ये चीज़ आपको एक जनरल फैक्ट के रूप में याद होनी चाहिए। उस समय पर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे डट्टो वमन, यहाँ पे सुरेंद्र नाथ सेन के बारे में आप एक चीज़ याद रखोगे, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर यहाँ पे सुरेंद्र नाथ सेन थे। बार बार मैं रिपीट करता हूँ जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो सर शहावत अहमद खान थे वो भी यहाँ पे फर्स्ट सेशन के अटेंडी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 7 पे आपको मिलती है DRDO स्काउट्स फॉर R&D पार्टनर। तो जो DRDO है वो सर्च कर रही है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनर के लिए, जो कि यहाँ पे उसके साथ को डेवलप कर सके एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन, और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप कर सके। जो हम लोग अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स लेकर आना चाहते हैं, UAVs लेकर आना चाहते हैं, उनको डेवलप करने में यहाँ पे DRDO की मदद कर सके। अब यहाँ पे हमारे लिए जो एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ थी कि ये चीज़ कहाँ पे बोली गई, ओके? तो यहाँ पे इनॉग्रेशन सेशन में बोली गई एरो इंडिया 2019 के। मैं एरो इंडिया के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे गौर करो, एरो इंडिया का यहाँ पे लोगो है, ये जो हमारा तेजस है, तेजस इज आर LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी शेप में यहाँ पे लोगो बनाया गया है। आप देख सकते हो हमारा भारत का, प्यारे भारत का झंडा बना हुआ है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बीच में अशोक चक्र भी है, नीचे लिखा है एरो इंडिया, और यहाँ पे टैगलाइन है। टैगलाइन इज रियली इंपॉर्टेंट अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, वो है दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बिलियन अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ते चलो और आप लोगों को भी सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पे एरो इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें, बेसिकली इसको हर 2 साल में यहाँ पे एक बारी ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 1996 से हम लोग इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इकोनॉमी चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसको भी यहाँ पे एक बूस्ट मिले, ठीक है, उसको भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो आगे बढ़े। अब होने वाला है या चल रहा है हमारा 12th एडिशन ऑफ एरो इंडिया, ओके, जो कि एरो इंडिया 2019 है, और ये बेंगलुरु के अंदर फरवरी 20 से 24 तक यहाँ पे होगा। और एरो इंडिया 2019 एम्स टू प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म इन बोस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर। और मैंने आपको इसकी टैगलाइन बता दी, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है सऊदी प्रिंस प्रेजेस इमरान बिड टू रीस्टार्ट द डायलॉग विद इंडिया। तो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, देखो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस में MBS देखने को मिले तो उसका मतलब यहाँ पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही है, और यहाँ पे वो एशिया टूर पे हैं। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे अपने आप को पाकिस्तान के अंदर लैंड कराया। पाकिस्तान की जो ट्रिप थी उनकी वो ज़्यादा दिनों की थी, बट वो उन्होंने अपनी ट्रिप का जो समय था वो कम कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान में उन्होंने ज़्यादा दिन के लिए रुकना था, बट उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में रुकने का जो समय था वो कम कर दिया। पुलवामा अटैक की वजह से यहाँ पे जो अपना समय था उन्होंने कम किया, बट यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बहुत सारी बातें करी, उनके बारे में देखेंगे। और अब वो इंडिया की विजिट पे आ गए हैं, और मेन चीज़ यह है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया एक नया मैकेनिज्म लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ। और यहाँ पे जो उनका टूर ऑफ एशिया है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला है, और पाकिस्तान इनकी पहली डेस्टिनेशन थी जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेस किया करतारपुर प्रोजेक्ट कॉरिडोर के बारे में। तो करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र आया तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, करतारपुर कॉरिडोर 4 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो कि पाकिस्तान साइड में जो यहाँ पे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है उससे लेकर यहाँ पे जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है उसके बीच में कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिख रिलीजन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए दूसरा पॉइंट याद करने का है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जीवन का समय है वो करतारपुर के अंदर व्यतीत हुआ है, सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी यहाँ पे करतारपुर के अंदर ही ली थी। और यहाँ पे एक और चीज़, जो सिख कम्युनिटी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी करतारपुर के अंदर ही हुई थी। तो इसलिए जो गुरु नानक देव जी हैं उनके जीवन से जुड़ा हुआ है करतारपुर, और इसीलिए यहाँ पे जो कॉरिडोर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है वहाँ पे टेलीस्कोप्स भी लगाई हुई हैं, वहाँ पे बाइनोक्युलर्स
लगाई हुई हैं जहाँ पे लोग दर्शन कर पाते हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के, ओके। बट यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जो इशू था वो था इंटरनल सिक्योरिटी, और उसको ध्यान में रखते हुए अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट करतारपुर कॉरिडोर को अभी हॉल्ट में डाल देगी, उसको अभी बस्ते में डाल देगी, अभी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई बंद कर देगी। साथ ही यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उसके लिए वो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को भी लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे सऊदी अरेबिया के लोग भी होंगे और यहाँ पे इंडिया की साइड से भी लोग होंगे। इंडिया की साइड से यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, नीति आयोग और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रहेंगे इस पर्टिकुलर काउंसिल का। साथ ही यहाँ पे इंडिया से पहले जो सऊदी प्रिंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर थे, और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी बनाने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, बट यहाँ पे पाकिस्तान सिर्फ कोशिश कर रहा है, कोई एक्शन हम लोगों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पे उस समय पर एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया गया जिसके अंदर हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से कॉमन पोजीशन के ऊपर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पहुँचे ऑन प्रिवेंटिंग द एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम इन दिस वर्ल्ड, कि यहाँ पे मुस्लिम्स के खिलाफ जो यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके खिलाफ यहाँ पे एक कॉमन पोजीशन पे पहुँचेंगे, और यहाँ पे दे वुड अवॉइड पॉलिटिसाइजिंग ऑफ यूएन लिस्टिंग रेजीम, ओके। तो जो पाकिस्तान की विजिट थी वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उनको पैसे मिलेंगे सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से $20 बिलियन उन्हें मिलने भी वाले हैं, इस चीज़ का यहाँ पे वादा किया है मोहम्मद बिन सलमान ने। और हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इंटरनेशनली हम लोग आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे पाकिस्तान के पीएम की स्टेटमेंट भी सुनी होगी, बट उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखोगे जो सऊदी प्रिंस हैं वो जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो एक कंसर्न इंडिया की साइड से रेज हो रहा है, ओके। और पाकिस्तान को आज के डेट में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, सिर्फ 2 महीने के ही इम्पोर्ट चलाने के लायक है, और आज की डेट में पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी डील कर रहा है, ओके। और इंडिया अपने कैंपेन में बिल्कुल सशक्त है, इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है कि एक इंटरनेशनल आइसोलेशन कर सकें हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान का। आगे बढ़ते हैं अगली अपनी न्यूज़ की तरफ, वो है इलेक्शन कमीशन रिव्यू सिक्योरिटी मेजर्स। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको क्यों रिव्यू कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो सही नहीं है, और लोकसभा के चुनाव और यहाँ पे आप देखोगे असेंबली के चुनाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे हम लोगों को जल्द ही। बट यहाँ पे उससे पहले इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर जाके सर्वे करना था, देखना था कि ऐसी स्थिति में चुनाव कराए जा भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर चुनाव नहीं होते हैं तो वो किस कंडीशन में नहीं होंगे। देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन यहाँ पे कि देश के किसी भी कोने पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट करके ये बोले कि यहाँ पे आज की डेट में जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि चुनाव हो सके, इसी केस में वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे। और देखो अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेजिडेंट्स रूल लगा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का अपने एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर पहले अलग से गवर्नर्स रूल लगता है, उसके बाद प्रेजिडेंट्स रूल लगता है 6 महीने के बाद। ये पर्टिकुलर चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कशन में ली हुई हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आर्टिकल था ये हम लोगों को पढ़ना था, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करनी थी, ओके। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 13 पे आपको देखने को मिलता है RBI टू ट्रांसफर 28,000 करोड़ इंटरिम सरप्लस टू गवर्नमेंट। ये यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसके लिए भारत सरकार को बहुत दिनों से था इंतज़ार, कि RBI के जो बोर्ड की मीटिंग हुई और वहाँ पे चीज़ डिसाइड की गई कि इंटरिम सरप्लस मतलब डिविडेंड क्यों मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो RBI की एक तरीके से ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरप्लस होता है उसका पैसा भारत सरकार के पास आ जाता है, कितना आया है 28,000 करोड़ रुपीज़ आया है। दिस इज सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ ट्रांसफर्ड इंटरिम सरप्लस टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो, वो आपके लिए इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि RBI अब ट्रांसफ़र कर रहा है अपना कुछ इंटरिम सरप्लस। बट इससे हम लोग को जो बड़ा इम्पैक्ट है वो क्या देखने को मिलेगा, वो आपके लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आया है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर से आया है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट कमेटी है वो अभी भी रिव्यू कर रही है कि जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है RBI का वो किस तरीके से डील होगा, वो अभी भी ये देख रही है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होगी, कैसे यहाँ पे जो प्रॉफिट है जो सरप्लस है वो सेंट्रल बैंक यहाँ पे सरकार को ट्रांसफर करेगा। देखो यही तो सारे के सारे मुद्दे थे जिन वजह से हम लोगों को उर्जित पटेल का रेजिग्नेशन देखने को मिला और हम लोगों को नए गवर्नर देखने को मिले शक्तिकांत दास जी। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स की हैं, ठीक है, ऐसे न्यूज़ आपस में यहाँ पे लिंक होती हैं।
साथ ही विद द गवर्नमेंट मिसिंग द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, देखो जो हमारे फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, जो हमारा FRBM एक्ट है उसके अंदर बताया लिखा हुआ है कि हम लोग को 3% से नीचे अपना यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट रखना है, पर भारत सरकार इस साल भी मिस कर गई है, अगले साल भी मिस कर जाएगी और उससे अगले साल भी मिस कर जाएगी, ऐसा अभी बजट के अंदर ही बोला गया है। अब फिस्कल डेफिसिट मिस कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बोरोइंग्स हैं वो हमें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। बोरोइंग्स क्यों ज़्यादा करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा है। अब खर्चा तो हम लोग कम करेंगे नहीं, तो हम लोगों को अपने रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, और जितना रेवेन्यू हम लोग टैक्सेस से बढ़ा सकते थे उतना तो हम लोगों ने बढ़ा ही लिया। पर इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि उसे कुछ पैसे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल जाएँ, ओके, जिसको हम लोग यहाँ पर सरप्लस के रूप में या डिविडेंड के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड के रूप में 28,000 करोड़ रुपीज़ मिले हैं, इस वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो शायद थोड़ा सा कम हो जाए और भारत सरकार अपनी जो बोरोइंग्स हैं उनको आराम से डील कर सके, ओके। विद द गवर्नमेंट मिसिंग इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट मार्जिनली फॉर द करेंट फिस्कल ईयर, द फंड्स फ्रॉम RBI विल हेल्प इट मैनेज द फाइनेंसिस बेटर। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सेक्शन नंबर 47 RBI एक्ट 1934 के अंदर लिखी हुई हैं कि सेंट्रल बैंक आफ्टर मेकिंग वेरियस प्रोविजंस ट्रांसफर्स बैलेंस प्रॉफिट्स टू द गवर्नमेंट, जो बैलेंस प्रॉफिट है वो सरकार को ट्रांसफर कर देगी, सेक्शन नंबर 47 ऑफ द RBI एक्ट 1934। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने जो बड़े कदम उठाए थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो क्लॉज था वो पाकिस्तान से छीन लिया गया। दूसरी जो इंडिया ने बड़ा स्टेप उठाया वो ये था कि 200% से यहाँ पे 200% लगा दी गई यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम लोग पाकिस्तान से जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहती है वो रहती है सीमेंट की, सीमेंट के बाद यहाँ पे फ्रूट्स की रहती है, ओके। तो सीमेंट के अंदर जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं सीमेंट के, वो हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हुए नज़र आए हैं। दो रीज़न उनके भी, पहला रीज़न यहाँ के पाकिस्तान का MFN का स्टेटस हटा दिया, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है ये, तो खुशी की बात है ही कि हम लोगों ने उनका MFN का स्टेटस छीन लिया है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान से जो सीमेंट आता था वो सस्ता था, ओके, यहाँ पे वो आप देखोगे 50 kg के हिसाब से अगर हम लोग एक यहाँ पे बोरी देखें तो उसमें यहाँ पे 100 rupees सस्ता था हमारे इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स के सीमेंट से। तो यहाँ पे जब वो चीज़ बंद हो गई है तो जो हमारे इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सेल बढ़ने को मिलेगी, जब उनकी सेल बढ़ेगी तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस वजह से भी जो यहाँ पे जो सीमेंट मेकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान का जो MFN वाला स्टेटस है उसे विड्रॉ कर लिया गया है। इन्हीं सारी की सारी चीज़ों को आगे की ये जो लाइन्स हैं इनके अंदर लिखा हुआ है, PDF अपलोड हो जाएगी, आराम से देख लेना, मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट करेंगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वैसे ही इनकी इकोनॉमी डूब रही है, और यहाँ पे इकोनॉमिक जब क्राइसिस आता है किसी देश में तो वो बाकी सारे क्राइसिस से कई गुना बड़ा होता है। तो किसी को तो स्लगिश इकोनॉमी, स्लगिश का मतलब मैंने बार बार बता रहा हूँ, स्लगिश का मतलब होता है यहाँ पे स्लो डाउन, वो हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो शक्तिकांत दास जी हैं, ओके, जो हमारे RBI के गवर्नर हैं, वो बैंक के हेड से मिलने वाले हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके चीफ से मिलने वाले हैं और रेट कट ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कशन लेंगे। रेट कट ट्रांसमिशन मतलब यहाँ पे अभी क्या हुआ था, जो रेपो रेट है RBI ने अपनी रीसेंट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में उसको 25 basis points से यहाँ पे कम कर दिया था उसको 6.25%। अब RBI की उम्मीद यही रहती है कि हम लोगों ने रेपो रेट को कम कर दिया है तो यहाँ पे लोगों तक भी उसका बेनिफिट पहुँच सके। अब RBI से तो डायरेक्टली आप लोगों की कोई डीलिंग नहीं होती, आप लोग डायरेक्टली RBI के पास जाके तो पैसे नहीं ले सकते हो, आप लोग यहाँ पे बैंक से जाके पैसे लेते हो, पर बैंक से यहाँ पे RBI से चीज़ें लेता रहता है, पैसे लेता रहता है, पैसे देता रहता है मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेपो रेट के अंदर जो कमी हुई है वो जो लोन्स के इंटरेस्ट रेट हैं उनके अंदर कमी ला सकें, ये मेन मकसद यहाँ पे शक्तिकांत दास जी का है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हैं आज की डेट में हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग MCLR से डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या होता है आपको बार बार पढ़ाता जा रहा हूँ आज, और इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने फिर से यहाँ पे पद संभाल लिया फाइनेंस मिनिस्ट्री का। उन्होंने बोला है कि इंडिया नीड्स फ्यूअर बट मेगा बैंक, इंडिया को कम बैंक्स चाहिए बट बड़े बिग बैंक्स चाहिए इंडिया को, इसीलिए बहुत सारे बैंक में हमें अमलगेशन देखने को भी मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला जो रेवेन्यू ग्रोथ है ओवर द लास्ट 5 years हैज बीन स्ट्रांग, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे बढ़ रही है, हम लोगों को भी देखने को मिल रहा है कि जो हमारा टैक्स बेस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज वो मिस कर गए, टैक्स बेस तो भर रहा है पर जितने लोग यहाँ पे टैक्स नहीं भर रहे हैं
वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टैक्स बेस तो बढ़ रहा है पर जो लोग टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। या ये यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट्स कह रही हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ। साथ ही आरबीआई ने इस चीज़ को भी बोला कि आरबीआई इंजेक्ट करेगा 12,500 करोड़ रुपीज़ सिस्टम के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से। तो यहाँ पर क्या करेगा आरबीआई, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है आरबीआई, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जा रही है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा आरबीआई तो उसके बदले यहाँ पे रुपी देगा, पैसे देगा, वो पैसे मार्केट के अंदर जाएंगे और इस वजह से मार्केट में हम लोगों को लिक्विडिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और थोड़ा सा हमें इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसका अपोजिट आरबीआई कब करती है, जब आरबीआई यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 12,500 करोड़ रुपए यहां पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती हुई लगाती हुई हम लोगों को आरबीआई नजर आएगी। साथ ही यहाँ पे मैंने आज आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे इवोल्यूशन ऑफ लेंडिंग रेट स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि कैसे इंडिया के अंदर धीरे धीरे लेंडिंग रेट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि पहले कैसे रेट डिस्पाइन होते थे, इंटरेस्ट रेट, फिर यहाँ पे हमारे पास प्राइम लेंडिंग रेट्स है, प्राइम लेंडिंग रेट्स के बाद हम लोगों को यहाँ पे सब प्राइम लेंडिंग रेट्स देखने को मिले, फिर बेंचमार्क रेट्स देखने को मिले, फिर 2010 में बेस रेट सिस्टम आया और फिर फाइनली 2016 के अंदर हम लोग MCLR सिस्टम की तरफ आ गए। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द बेस रेट एंड द MCLR सिस्टम, देखो बेस रेट को यहाँ पे जो रिवाइज किया जाता था वो हर क्वार्टर के बेसिस पे किया जाता था, MCLR रेट को हम लोग मंथली बेसिस पे रिवाइज करते हैं। देखो MCLR से क्वेश्चन बनेगा तो MCLR के बारे में जो चीज़ें हैं याद रखना, मंथली रिवाइज करते हैं। MCLR के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं, CRR होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, टेनर प्रीमियम होता है। जो रेपो रेट होता है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर ही एक पर्टिकुलर पार्ट है और बेस रेट के अंदर रेपो रेट पार्ट नहीं था, इसीलिए जो रेपो रेट आरबीआई यहाँ पे घटाती बढ़ाती है उसका ट्रांसमिशन हो सके, इसी वजह से MCLR को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स अराइव्ड एट बेस्ड ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, जो अभी जिस प्रेजेंट टाइम में जो करंट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उस पर डिफाइन होता है, और बेस रेट की बात करें तो वो जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो पुराने डिपॉजिट पर डिफाइन था। मार्जिन इज सेपरेटली कैलकुलेटेड और यहाँ पे जो MCLR के अंदर मार्जिन इज द पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। साथ ही यहाँ पे जो स्प्रेड वाला शब्द होता है आप उसको डील करोगे कि यहाँ पे कितना परसेंट एक्स्ट्रा बैंक्स लगाता है कि बैंक्स को भी प्रॉफिट मिले, वो स्प्रेड होता है। तो पहले इंटरेस्ट रेट कैसे डिफाइन होता था, जो बेस रेट यहाँ पे आया है उसके साथ अपना स्प्रेड ऐड कर देते हैं बैंक्स, उतना आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था। अब MCLR के साथ स्प्रेड रेट ऐड करेंगे और उतना आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 18 पे आपको खबर मिलती है जापान अप्रूव्स स्टेम सेल ट्रायल टू ट्रीट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। तो जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं वो वाले सेल्स होते हैं जिनको हम लोग और भी कई टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेम सेल के यहाँ पे तीन टाइप होते हैं, टोटिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। जो टोटिपोटेंट होते हैं उसके अंदर ईच सेल कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, हर एक सेल एक नए इंडिविजुअल की तरफ हम लोग यहाँ पे बदल सकते हैं, एंड सेल्स फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोज, जैसे एम्ब्रियो होता है वो फिर यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो उसको हम लोग यहाँ पे टोटिपोटेंट कहते हैं। प्लूरीपोटेंट सेल जो होते हैं वो जो एक सेल टाइप होता है वो यहाँ पे 200 से ज़्यादा अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज में सेल्स में यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लूरीपोटेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई भी ऑर्गन डेवलप करना होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे मल्टीपोटेंट, ये जो सेल्स हैं दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बट कैन फॉर्म अ नंबर ऑफ अदर टिश्यूज, ओके, फिटल टिश्यू, कॉर्ड, ब्लड, एडल्ट स्टेम सेल, वो भी हम लोग मल्टीपोटेंट की तरफ से बना सकते हैं। तो यहां पे हुआ क्या है, जापान के अंदर स्टेम सेल ट्रायल हुआ है टू ट्रीट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंजरीज होती हैं उसके अंदर हम लोग ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे एक पेशेंट के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर बहुत सारे जो स्टेम सेल्स हैं उनको यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है और अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन IPS सेल्स को यहाँ पे डाल दिया है पेशेंट के स्पाइन्स के अंदर और उसको एक साल के लिए यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा जिससे उसकी स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी है उसे हम लोग ट्रीट कर सके। ऐसा नहीं है कि ये पहली बारी हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पे जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है, ओके, इट्स अ डिजीज़ रिलेटेड विद ब्रेन, ब्रेन से रिलेट करती है पर्टिकुलर डिजीज़। तो यहाँ पे पहले भी कुछ IPS सेल्स को ब्रेन के अंदर डाला जा चुका है और उनको यहाँ पे नोटिस भी किया जा चुका है। ये चीज़ें कहाँ हुई है, क्योटो के अंदर। क्योटो के नाम से आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, ये आप लोग बताओगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ओके? तो यहाँ पे देखा गया कि मैन वॉज स्टेबल आफ्टर द ऑपरेशन एंड ही विल बी मॉनिटर्ड फॉर
2 ईयर्स। तो पार्किंसन डिजीज के बारे में कुछ चीज़ें, ये क्रॉनिक डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो हमारे न्यूरो सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है आप कह सकते हो, उससे पर्टिकुलर रिलेट करता है, उसका ये डिसऑर्डर होता है, ब्रेन का डिसऑर्डर होता है जिसके जो बॉडी का जो मोटर सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है, लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, बॉडी शेक करने लगती है और बॉडी के जो मूवमेंट है उसमें भी आपको डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। और जो IPS सेल्स होते हैं दे आर क्रिएटेड बाय स्टिम्युलेटिंग मैच्योर एंड ऑलरेडी स्पेशलाइज सेल्स, तो पहले से स्पेशलाइज सेल्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर स्टिम्युलेट करके यहाँ पे फिर से उनको उनकी पुरानी वाली स्टेज में ले जाकर उनके बेसिकली क्लोन करके हम लोग यहाँ पे IPS सेल्स को डेवलप करते हैं। IPS सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं, आप लोग जनरली याद करोगे, जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गन में जनरेट हो सकते हैं, जनरल सेंस में आप ये याद करके रखोगे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। खबर है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर कंट्रीब्यूट टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। सबसे पहले एग्जाम्पल इवेंट, प्लास्टिक कैसा यहाँ पे वेस्ट है, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दो तरीके के वेस्ट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वाले वेस्ट होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मदद से बायोडिग्रेड करा सकते हैं, ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मदद से डिग्रेड करा सकते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको हम लोग डिग्रेड नहीं करा सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से, तो उसके अंदर हम लोग क्या करना पड़ता है, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है और इनसे हम लोग एनर्जी भी जनरेट करते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, आपको याद होगा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रिलेटेड वो पर्टिकुलर आर्टिकल था कि देश में 12 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स से, जिनमें से 7 को हम लोगों ने अभी हैं हमारे सामने, बाकी को यहाँ पे शट डाउन कर दिया है, ओके, और यही यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत सारे प्रेशर के बाद। तो यहाँ पे बात हो रही है पॉलिएस्टर और जो बाकी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे यहाँ पे नायलॉन होते हैं, वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन के अंदर। और माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे ओशनिक पॉल्यूशन के अंदर, या आप कह सकते हो हमारा जो यहाँ पे मैरीन पॉल्यूशन होता है उसके अंदर, ओके। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और माइक्रोफाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बोला गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, ओके, और वो ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे आपका वूल होता है, कॉटन होता है, सिल्क होता है, उनके सब उनके बेनिफिट ये होता है कि वो रिसाइकलेबल होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आजकल हम लोग मिक्स्ड फाइबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो भी फुल्ली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक और स्पेशल चीज़ लगाई हुई है प्लास्टिक क्वेश्चन। तो आप देखो, प्लास्टिक आप लोगों ने यहाँ पे रिलीज़ किया, पानी की बोतल फेंक दी, लेस के आपने वेफर्स खाए, लेस का पैकेट फेंक दिया, आपने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी जो स्ट्रॉ होती है उसे आप लोगों ने यहाँ पे थ्रो कर दिया, तो वो यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं, आप उन्हें थ्रो कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, रेनफॉल की वजह से वो यहाँ पे बह जाते हैं, नदियों के अंदर बह जाते हैं, समुद्र के अंदर बह जाते हैं, विंड से उड़ के यहाँ पे चले जाते हैं, आप लोग खुद डंप कर देते हो, सीवेज में फेंक देते हो, उसकी वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि पूरा जो हमारे यहाँ पे ओशन होता है, रिवर होता है, वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो नॉर्मल प्लास्टिक होते हैं वो भी यहाँ पे टूटते टूटते माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं, फिर उन्हें यहाँ पे मछलियाँ खा लेती हैं, फिर मछलियों को यहाँ पे बाहर निकाल लिया जाता है अलग अलग पर्पजेस के लिए, और वो फिर से यहाँ पे मेडिसिन के फॉर्म में जब उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, या कुछ लोग डायरेक्टली जो मीट खाते हैं उनकी बॉडी को भी वो इम्पैक्ट करते हैं। और माइक्रो प्लास्टिक आज की डेट में हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो हमारी कोरल रीफ्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स को हम लोगों को रोकना है, ये हमारा मेन मकसद है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर इन्हीं सब चीज़ों को बोला गया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ है वो हमें दिन पे दिन यहाँ पे कम करना है, ठीक है। अगर हमें इस्तेमाल भी करना है तो हम लोग बायो सिंथेटिक फाइबर्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, दे आर बोथ रिसाइकलेबल एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो स्टडी थी ये आई थी और इसको सामने रखा गया एट द 2019 एनुअल मीटिंग ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। साथ ही यहाँ पे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट मिलता है, जिनकी मेहनत देश का आधार उनकी पेंशन का सपना साकार। तो यहाँ पे बजट के अंदर अभी रिसेंटली दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स को लॉन्च किया गया, एक है यहाँ पे पीएम किसान, दूसरी है यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन बेसिकली ये एक पेंशन स्कीम्स है, किनको बेनिफिट पहुँचाएगी, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाएगी, किन लोगों को, जैसे यहाँ पे रिक्शा पुलर्स हैं या रैक पिकर्स हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो यहाँ पे सब्जी वाले होते हैं, यहाँ पे जो आपके घर में जो मेड होती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उनको यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाएगी, एक पेंशन स्कीम है। तो पर यहाँ पे पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी 15,000 रुपये महीने से कम की यहाँ पे आमदनी है, कम की यहाँ पे सैलरी है,
ओके और इनके यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो 18 टू 40 इयर्स तक की है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, जब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो पेंशन स्कीम है तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी इस स्कीम के अंदर जितना यहाँ पे लोग करेंगे, और यहाँ पे अलग अलग रेट दिए गए हैं, जिनकी उम्र 29 से कम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनकी उम्र 29 से ज़्यादा है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली जिनकी उम्र 29 से कम है वो 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे, और जिनकी 29 से ज़्यादा है वो 150 कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। सर ये पेंशन है तो यहाँ पे एक नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है, एक पार्टनरिंग एजेंसी किसको बनाया गया है, तो पार्टनरिंग एजेंसी यहाँ पे रहेगी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो एक पार्टनरिंग एजेंसी है। ओके इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया साइबर हब, तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया यहाँ पे दिल्ली के अंदर, द्वारका के अंदर, और दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट जिसको क्या बोल रहे हैं साइपैड कह रहे हैं, उसका भी उद्घाटन यहाँ पे दिल्ली के अंदर किया गया है, जिससे यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग जल्द से जल्द डील कर सकें। तो हमारे देश का एफर्ट है यहाँ पे टेररिस्ट को डील करने का, उसके अंदर जो साइबर सेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से जो साइबर हब है, जो यहाँ पे नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब है या साइपैड है, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आपको एक और आर्टिकल मिलता है सब्सटेंस यूज़ इन इंडिया, तो यहाँ पे बात हो रही है नशीले पदार्थों के बारे में, बेसिकली उन ड्रग्स के बारे में जो कि इलीगल है, या उनको हम लोग यहाँ पे कम्बाइंडली ओपियोइड कहते हैं। ओके तो यहाँ पे बोला गया है ओपियोइड यूज़ 3 times ग्लोबल एवरेज, हीरोइन मस्ट कॉमनली यूज्ड सेज स्टडी। तो यहाँ पे जो स्टडी है इसको द हिंदू ने मिस किया है, शायद द हिंदू में एक दो दिन बाद आ जाए, बट ये स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो स्टडी है उसका नाम है नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। यहाँ पे जो स्टडी है उसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और यहाँ पे बेसिकली ये शो किया जा रहा है कि जो ओपियोइड्स का जो यूज़ है इंडिया के अंदर वो ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा है। ग्लोबल एवरेज कितना है 0.70% और इंडिया के अंदर है 2.06%। देखो ये जो स्टडी है अब ये हमारे सामने 2019 के अंदर आई है, इससे पहले इस स्टडी को 2004 के अंदर किया गया था, जिस समय ये बताया गया था कि यहाँ पे ओपियम का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट 2019 में हमें ओपियम का यूज़ तो कम देखने को मिला है, बट हीरोइन का यूज़ हम लोगों को यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया है। ओके तो हीरोइन का यूज़ बढ़ गया है, ओपियम का यूज़ कम हो गया है। बेसिक यहाँ पे स्ट्रेटेजी में क्या कमी रही है इंडियन गवर्नमेंट की, कि हम लोगों ने यहाँ पे ओपियम के ऊपर फोकस किया बट हीरोइन के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने कम फोकस किया, जिस वजह से लोगों ने हीरोइन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ओके और यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हम लोगों को नज़र आई हैं सारी की सारी चीज़ें। और पहले क्या था, देखो पंजाब के अंदर एक और चीज़, आप पंजाब में एक फिल्म भी बनी थी आपको याद होगा एक ड्रग केस के ऊपर यहाँ पे, उड़ता पंजाब। ओके उम्मीद है आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे जो बॉयज़ हैं उनको तो कंट्रोल कर लिया गया है, बट नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो यहाँ पे ओपियोइड्स का इस्तेमाल करती हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं, वो हमें पंजाब में बढ़ते हुए नज़र आई हैं। इस सर्वे के अंदर एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ओपियोइड इस्तेमाल होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ हमारे देश में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में होता है, और सेकेंड नंबर पर यहाँ पे पंजाब है। जो 2004 का जो सर्वे था वो यहाँ पे स्टेट लेवल डेटा या डेटा ऑन फीमेल यूज़र्स को नहीं रखता था, बट यहाँ पे 2019 के डेटा ने इस चीज़ को सामने रखा है और बोला है यहाँ पे इफ ओनली द ओपियोइड यूज इन मैन इज कंसीडर्ड, सिर्फ यहाँ पे मैन के अंदर ओपियोइड यूज को कंसीडर किया जाए तो वो भी यहाँ पे 5 गुना हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। इट वॉज 0.7% इन 2004 एंड 3.97% इन 2019। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, इकोनॉमी वाले सेक्शन पे है ये इंडियन एक्सप्रेस के। IOC फर्स्ट इंडियन रिफाइनर टू साइन द क्रूड ऑयल सप्लाई डील विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पे पहली इंडियन रिफाइनर बनी है जिसने यहाँ पे US के साथ क्रूड ऑयल सप्लाई डील को फाइनलाइज किया है। इससे पहले आपको एक और बैकग्राउंड चीज़ बता देता हूँ जो आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगी, वो ये है कि US और इंडिया के बीच में जब आप यहाँ पे ट्रेड देखते हो तो यहाँ पे आपको इंडिया की साइड से ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। इस चीज़ से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप परेशान है क्योंकि जो उनका मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं इसको बोलता हूँ कि MAGA, मैं जब भी यहाँ पे MAGA का इस्तेमाल करूँ आप समझ जाना कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, तो जो MAGA वाला कॉन्सेप्ट है वो इसके यहाँ पे खिलाफ जा रहा है। इसी के अंदर यहाँ पे US ने इंडिया को बोला था कि आप यहाँ पे आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर आप $3 बिलियन ज़्यादा का यहाँ अमाउंट की चीज़ें हमारे देश से इम्पोर्ट करो। शायद उसी चीज़ों की वजह से हम लोग ये चीज़ें
देखने को मिली हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं, फिर यहाँ पे वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो इंडिया को अपना कोई ना कोई तो यहाँ पे ऑयल पार्टनर ढूंढना ही था। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पे एक फर्स्ट डोमेस्टिक कंपनी बनी है जिसने यहाँ पे यूएस के साथ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फाइनलाइज किया है। $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सप्लाई का साइन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट कंपनी बन गई है। अब न्यूज़ में आ रहा है कि जो हिंदुस्तान ऑयल लिमिटेड है या हमारी भारत ऑयल है, वो भी यहाँ पे जल्द ही यूएस के साथ कुछ सप्लाई डील फाइनलाइज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, यूएस अपने सप्लायर्स के साथ जो भी डील होती है उसका जो सेलिंग प्राइस होता है उसको कभी भी डिक्लेयर नहीं करता है। शायद इसके खिलाफ भी यहाँ पर अपोजिशन पार्टी है, वो बहुत सारा मुद्दा हम लोगों के सामने रखें। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पे आपके लिए सवाल था और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1 और 2 ओनली। देखते हैं कि आप लोगों में से किस किस ने सही आंसर दिया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतनी खबरें थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़कर ग्रुप में आप लोग सवाल जवाब कर सकते हो। आज की वीडियो का एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।